दोस्तों हम आज आ चुके हैं मेरठ के सूरज कुंड में। वैसे तो ये फेमस है अपने स्पोर्ट्स मार्केट के लिए, लेकिन यहाँ पर अगर और कुछ भी बढ़िया मिलता है तो वो है इन भैया का कुल्फी फालूदा। तो हम यहीं से गुजर रहे थे तो देखो थोड़ी थोड़ी सी हो चुकी है थकान, इसलिए अब हम इनका खाएंगे कुल्फी फालूदा भैया का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है जी। क्या नाम है? बबली। बबली, तो ये आप कुल्फी फालूदा बनाते हैं जी? कब से बनाते हैं ये? शुरू से बनाते, बचपन से बनाते। बचपन से ही बना रहे हैं? तो पहले बना खाते थे या बेचते थे? बेचते भी हैं पहले से। अच्छा अच्छा, तो मतलब पिताजी लोग भी बनाते थे? हाँ, पिताजी बनाते थे हमारे। अच्छा अच्छा, अभी बनाते हैं, वही माल बना के अभी भेज देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हमको बना के दिखाइए। ठीक है। क्या क्या लगाते हैं इसमें? लगाते हैं रबड़ी की कुल्फी होती है और बादाम लगाते हैं। रबड़ी की कुल्फी और बादाम, अरे मजा आ गई सुन के। तो मजा आ गई बिल्कुल, खाने का तो मन बहुत जोरों से कर रहा। भैया एकदम बढ़िया से लगाइएगा क्योंकि हम बहुत दूर से आए हैं। ठीक है। हाँ ठीक। और जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ, ये आप धूप किस लिए लगाते हैं जी? ये धूप यहाँ क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये इससे मक्खी वक्खी नहीं आती, धूप बत्ती। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी अगर बात करें कि मतलब स्वच्छता का, तो उसका ध्यान कैसे रखते हैं? स्वच्छता का यही है कि इससे मक्खी वगैरह कम आती हैं, तो इसलिए लगाते हैं। ये आपने ये ऊपर से भी क्या उठाया? ये वो लो लगा रखा है, इसका ढक्कन निकाल कर। ये है क्या चीज? ये कुल्फी का ढक्कन है। कुल्फी है, ये रबड़ी है क्या? हाँ जी रबड़ी है। अच्छा, मस्त मजा आ जाएगा मतलब। हाँ अच्छा, तो ये आप किस में बनाते हैं? उसमें कुल्लड़ में बनाते हैं। सही है, सो चलो देश की मिट्टी चूमने का मौका मिलता है एक बार ऐसे ही बहाने। तो इसको ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं? बर्फ में रखते हैं। ये क्या है फिर? ये फालूदा। फालूदा लगाइए, इसको लगाइए फिर। तो दोस्तों ये देखिए फालूदा डाला जा रहा है कुल्फी में और ये सब कुल्लड़ में हो रहा है। तो भैया अगर बात करें, बर्फ तो पिघल जाती होगी सुबह से लेकर शाम तक? हाँ, वो तो इस टाइम के 4 बजे के बाद में फिर लगानी पड़ती है दोबारा। तो बर्फ वाला आने, ये वाली चीज़ क्या है, ये क्या डाल रहे हैं? ये रुआबजा है। अच्छा, और वो चीनी का बखर है। तो जैसे कि मैंने सुना है कि अगर बर्फ़ में नमक लगा दो तो नहीं पिघलती है? हाँ, कम पिघलती है, लेकिन उससे ही गैस बनती है ना, गैस तो उससे बनती है। तो मतलब आप नमक नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। तो फिर अगर ये गैस बनती है तो उसका क्या? गैस ही तो जमती है, ये कुल्फी जो जमती है। अच्छा अच्छा, जमती है यहीं पे। तो और क्या क्या प्रोसेस होता है इसमें? आपने फालूदा डाल दिया है और कुल्फी डाल दिया है। हाँ, रुआबजा, बखर। रुआबजा और क्या डाला है? बखर, चीनी का। चीनी का बखर। अच्छा, बखर बोलते हैं उसको। हाँ। तो ये तैयार हो चुका है? हाँ जी, तैयार हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए कि अब ये कुल्फी तैयार हो चुकी है। इसको बोलते क्या है? कुल्फी फालूदा, स्पेशल मटकी कुल्फी फालूदा। अच्छा, तो चलिए भैया इसको हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। ये जो फालूदा है इसको आप कैसे बनाते हैं? मशीन से बनाते हैं। आरा रोड से। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब हम वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।